हाउ टू मेक सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन ईजिली। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं स्टैटिस का 360 ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें 15 डेज का ट्रायल मिलता है और आप अपनी कॉलेज आईडी या यूनिवर्सिटी आईडी को यूज़ करके इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो पहले न्यू डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं और इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिलते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डिज़ाइन के अंदर फैक्टोरियल रिस्पॉन्स मिक्सचर स्पेस फिलिंग आता है, फैक्टोरियल के अंदर रैंडमाइज्ड टू लेवल मल्टी रन मिन रन और ये सब आते हैं। रिस्पॉन्स सरफेस के अंदर सेंट्रल कंपोजिट बॉक्स बेंकिन ये आते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन में सबसे पहले यहाँ पे आप मिनिमम 2 to maximum 50 फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड अ डिज़ाइन। और सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे लिपिड, और ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी क्वांटिटी जो है वो मैं एक रीसेंट फॉर्मुलेशन की क्वांटिटी पुट कर रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड ने बनाई थी, उसकी फॉर्मुलेशन की क्वांटिटी यूज़ कर रहा हूँ उसमें। ओके, तो हम इसमें लो लेंगे अकॉर्डिंग टू हिज फॉर्मुलेशन 240 mg 2320 mg एंड सेकेंड फैक्टर वुड बी कोलेस्ट्रॉल विच इज ऑल्सो इन mg और ये होगा 80 to 160 mg। ठीक है, तो ये हमारा CCD के वैल्यू सेंटर हो गए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब होता है कि टेबल आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो, तो विल कीप इट हॉरिजॉन्टल। और इसमें सेंटर पॉइंट्स 5 आ रहे हैं, नॉन सेंटर पॉइंट्स 8 आ रहे हैं। और इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि बेसिक कैसे करते हैं परफॉर्म CCD। और ये थर्ड ओके रिस्पॉन्स हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप रिस्पॉन्स की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। और रिस्पॉन्स के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे पार्टिकल साइज। ठीक है, जिसका यूनिट होगा नैनोमीटर। सेकेंड वुड बी PDI, जिसका यूनिट यहाँ पे हम एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो माइक्रो में आता है, लॉन्ग यूनिट है उसका। और थर्ड होगा एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, जिसका यूनिट होगा यहाँ पे परसेंटेज। ओके, तो लेट्स फिनिश इट फ्रॉम द बॉटम बटन। ओके, सो दीज आर ऑल दी कैटेगरीज। इतने सारे रन्स आए हैं, 26 रन्स आए हैं। फैक्टर 3 भी अपने आप आ गया है, जिसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इग्नोर फैक्टर कर सकते हैं। यस, ठीक है, और यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट फैक्टर एंड इट इज़ डिलीटेड। अब पार्टिकल साइज हमको यहाँ पे एंटर करना होगा। और जैसे BOE में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, उसकी लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू लिपिड की एंड कोलेस्ट्रॉल की, जिस भी फॉर्मुलेशन को आप बनाना चाहते हैं उसकी, तो यहाँ पे इतने रन्स आएंगे। इन सभी रन में से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से रन्स परफॉर्म करने वाले हैं, या तो आप पूरे परफॉर्म करें तो बेस्ट है। ठीक है, उस परफॉर्मेंस के बाद इन दोनों क्वांटिटी को यूज़ करके आप जब परफॉर्म करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे सैम्पल को या किसी भी फॉर्मुलेशन को, उसके बाद फिर आपको उसका पार्टिकल साइज PDI एंड एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी मेजर करनी है। और आफ्टर मेजरिंग फिर आप जिस फॉर्मुलेशन का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मुलेशन है उसको बना लिया आपने, फिर पार्टिकल साइज मेजर की, जितना भी आया उसका पार्टिकल साइज एंटर करना है, PDI जितना आया एंटर करना है, एंट्रैपमेंट जितना आया एंटर करना है। ऐसे ही आपको हर फॉर्मुलेशन के लिए यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ को एंटर करना है। एंड आफ्टर एंटरिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे एनालिसिस पार्ट में जाना है और एनालाइज करना है। तो आपका DOE बताएगा कि कैसे कैसे ग्राफ बना है, क्या लीनियरिटी शो कर रहा है आपका फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा।